हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग जो है कक्षा चार की जो हिंदी साहित्य पुस्तक है, हिंदी पुस्तक है, कक्षा चार की क्लास फोर की हिंदी बुक जो है उसके हम लोग 11वें पार्ट को करेंगे, 11th चैप्टर को करेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर। इस चैप्टर में व्यक्तिगत पत्र लेखन की विधि बताई गई है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लेटर, आप पर्सनल लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को, तो उसको कैसे लिखना है वह बताया गया है। तो इस लेटर में यह बताया जा रहा है कि जो जब आप लेटर लिखना शुरू करते हैं तो जो राइट हैंड साइड में, टॉप साइड में जो है, राइट हैंड कॉर्नर में आप पहले स्थान लिखेंगे मतलब प्लेस लिखेंगे, और उसके नीचे दिनांक डेट लिखेंगे लेटर के राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में। और लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में आप जिस आदमी को लिख रहे हैं उसको कुछ चीज़ के साथ एड्रेस करेंगे। जैसे अगर आपके पिता को आप लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी लिखेंगे, अगर अपने फ्रेंड को या अपने भाई बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय प्रिय करके उनको एड्रेस करेंगे। फिर आप उनको कुछ ग्रीटिंग्स देंगे, जैसे सादर नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह लेटर लिखा जाता है। लेफ्ट साइड में आप उनको एड्रेस करेंगे और राइट साइड में डेट और प्लेस लिखेंगे। इसी तरह जब लेटर एंड होगा तो राइट साइड के टॉप बॉटम कॉर्नर जो है, नीचे जब आप ख़त्म करेंगे लेटर तो राइट साइड के बॉटम कॉर्नर में आप लिखेंगे आपका अपना और अपना नाम लिखेंगे, आपका अपना या आपकी अपनी अपना नाम लिखेंगे उसके नीचे। तो इस तरह लेटर होता है, लेटर लिखने के ये प्रोसेस है। अब इस लेटर में कंप्यूटर के बारे में लेटर लिखा जा रहा है। कोई जो है वो अपने जो प्रियजन है उनको कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्रिया मधुर, सप्रेम नमस्कार। पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि ग्रीष्मावकाश में तुम्हारा कार्यक्रम शीतल शहर शिमला जाने का है। पद्मा दीदी का आग्रह है कि तुम चंडीगढ़ होकर शिमला जाना। चंडीगढ़ एक दर्शनीय नगर है। मेरा इन दिनों कहीं भी जाने का विचार नहीं। एक कुशल कंप्यूटर चालक बनने की इच्छा से मैं आजकल कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ और उसके विषय में सामान्य जानकारी तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें जो है कोई एक है स्टूडेंट है, वो दूसरे किसी को, अपने भाई या फ्रेंड किसी को वह लेटर लिख रहा है। उसमें वह उसको क्या नाम, जिसको लिख रहा है उसका क्या नाम है, मधुर नाम है उसको, उसने लिखा है प्रिय मधुर सप्रेम नमस्कार, उसको उन्होंने ग्रीटिंग्स दे दी है लेफ्ट साइड में। फिर वह लिख रहे हैं कि मधुर ने उनको एक पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, उसके रिप्लाई में ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि हाँ मुझे पता चला तुम्हारा पत्र पढ़कर कि ये जो ग्रीष्मावकाश मतलब समर वैकेशन में तुम्हारा यह प्रोग्राम है, तुम्हारा यह कार्यक्रम है कूल शीतल शहर शिमला जाने का, मतलब जो कूल शहर है, कोल्ड सिटी है शिमला, तुम्हारा वहाँ जाने का प्रोग्राम है। ज़्यादातर समर वैकेशन में लोग कोल्ड सिटीज़ में जाते हैं ना, तो कोल्ड सिटी शिमला जाने का तुम्हारा प्रोग्राम है। फिर वह किसी पद्मा दीदी के बारे में वह बोल रहे हैं कि पद्मा दीदी का यह आग्रह है, मतलब पद्मा दीदी ने यह रिक्वेस्ट किया है कि तुम चंडीगढ़ होकर शिमला जाना, पहले चंडीगढ़ जाना फिर शिमला जाना। चंडीगढ़ एक दर्शनीय स्थल है, मतलब चंडीगढ़ एक देखने लायक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, आप वहाँ पर तुम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो घूम घूम कर। फिर वह जो लेटर लिख रहे हैं वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि मेरा इस बार समर वेकेशन में कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, और मैं एक कुशल कंप्यूटर चालक बनने की इच्छा है उनकी, मतलब एक गुड स्किल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर वो बनना चाहते हैं, जो कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट कर सके, कंप्यूटर को अच्छे से चला सके, ऐसा बनने की उनकी इच्छा है, उनका डिज़ायर है। इसलिए वो आजकल क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, और वो उसी कंप्यूटर के बारे में, उसके विषय में एक सामान्य जानकारी मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन अपने उस फ्रेंड को देना चाह रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि उसके विषय में सामान्य जानकारी तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, मतलब उसके विषय में एक जनरल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे वो लिखते हैं, फादर कामिल बुल्के ने कंप्यूटर का नाम हिंदी में परिकलक दिया है। कुछ विद्वान इसे संगणक कहते हैं, प्रायः इसे अंग्रेजी नाम कंप्यूटर से ही जाना जाता है। पहला सरल कंप्यूटर जर्मन वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने बनाया था। 1680 में विलियम लेवनेटथ द्वारा तैयार संगणक सही रूप में जमा, घटा, गुना, भाग तथा वर्गमूल निकाल सकता था। अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर हरमन हॉलरिंथ ने कार्ड पर छेद करके कुछ और जल्दी काम करने वाला कंप्यूटर तैयार किया। इस प्रकार कंप्यूटर का हर बार कुछ अधिक विकसित रूप सामने आता गया। इसका प्रवेश भारत में सन 1961 में ही हुआ। ठीक है,
तो वह कह रहे हैं कि कंप्यूटर को हिंदी नाम क्या है, परिकलक है, परिकलक। और यह नाम किसने दिया है, एक फादर है, फादर कामिल बुल्के हैं, ठीक है, उन्होंने उसका हिंदी नाम दिया है परिकलक। और कुछ विद्वान, कुछ फिलोसोफर लोग, कुछ लर्नड लोग जो हैं उसे क्या कहते हैं, संगणक भी कहते हैं। संगणक इज अ टाइप ऑफ कैलकुलेटर कह सकते हैं, तो संगणक भी कहते हैं उसका नाम। पर प्रायः लोग हिंदी में भी उसे क्या कहते हैं, उसके अंग्रेजी नाम से ही कहते हैं, उसके इंग्लिश नेम से ही कहते हैं, कंप्यूटर ही कहते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे सिंपल कंप्यूटर था वो किसने बनाया था, वो जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, ब्लेस पास्कल, उन्होंने बनाया था, ठीक है। फिर 1680 में और एक लर्नड पर्सन थे, कौन, विलियम लैवनिटथ। हाँ, विलियम लैवनिटथ थे, उन्होंने एक संगणक बनाया, मतलब एक तरह का कैलकुलेटर उन्होंने बनाया जो एकदम सही एक्यूरेटली वो जमा कर सकता था, ठीक है, मतलब ऐड कर सकता था, घटा माने सब्ट्रैक्ट कर सकता था, गुना मतलब मल्टीप्लाई कर सकता था, और भाग मतलब डिवीजन भी कर सकता था, और वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट्स भी वह निकाल सकता था। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 × 2 = 4 होता है ना, तो इस तरह स्क्वायर रूट्स भी वह निकाल सकता था। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, उसे वर्गमूल कहते हैं, तो वह वर्गमूल भी निकाल सकता था। ये जो विलियम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो बनाया कैलकुलेटर टाइप का एक डिवाइस, वह ये सब काम कर सकता था। कुछ दिन बाद है अमेरिका के और एक वैज्ञानिक जो थे, डॉक्टर हरमंत हॉलरिंथ, उन्होंने एक कार्ड्स लिया, हार्ड पेपर लिया, उसमें उन्होंने छेद किया, होल्स किया, और फिर इस तरह कुछ जल्दी काम करने वाला कंप्यूटर तैयार किया। उन्होंने भी अपने स्टाइल से, अपने तरीके से ऐसा एक सिंपल कंप्यूटर तैयार किया जो थोड़ा फास्टली काम कर सकता था। इस प्रकार धीरे धीरे जो है कंप्यूटर का विकसित रूप, डेवलप्ड रूप जो है, डेवलप्ड फॉर्म धीरे धीरे सामने आने लगा। और इंडिया में कंप्यूटर का एंट्री कब हुआ, सन 1961 में वह इंडिया में आया। आजकल भारत में कंप्यूटर कार्यालय, कारखाना, दुकानों आदि में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। छपाई का अधिकतर काम भी कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। परीक्षाओं में बैठने वाले लाखों विद्यार्थियों तथा रेलों और जहाज़ों से प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों का कंप्यूटर में विवरण रखा जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से हम हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति के लिए लिखित विषय सामग्री भेज सकते हैं। वस्त्र आदि का डिज़ाइन बनाने व रोग परीक्षण करने में इससे महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। कंप्यूटर की सहायता से अनेक मनोरंजनात्मक एवं ज्ञानवर्धक खेल खेले जाते हैं। अन्य देशों की अपेक्षा इसका प्रयोग देर में शुरू करने पर भी भारत आज कंप्यूटर क्षेत्र में एक अग्रणी देश है। इसने रोजगार के नए नए क्षेत्र खोले हैं। यही नहीं, कंप्यूटर विशेषज्ञों ने देश में ही नहीं विदेशों में भी विशेष नाम कमाया है। अब जो है जो ये लेटर लिख रहे हैं वो कंप्यूटर के क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आजकल भारत में कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। कार्यालय मतलब ऑफिसेज में, कारखाना फैक्ट्रीज़ में, दुकानों में, शॉप्स में, हर जगह कंप्यूटर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है, मतलब अपना यूज़फुलनेस प्रूव कर चुका है कि वो कितना यूज़फुल है ये सारे प्लेसेस में। छपाई का अधिकतर काम भी कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। ये जो प्रिंटिंग का, जो भी प्रिंट करना होता है पेपर्स में, वो प्रिंटिंग का भी मैक्सिमम वर्क जो है वो कंप्यूटर से किया जा रहा है। अब जो है परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, वह फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उनका टोटल विवरण जो है, उनके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा सकता है। लाखों विद्यार्थियों तथा रेलों और जहाज़ों से प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों का, बहुत सारे यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं जो एवरी डे या फ्रीक्वेंटली प्लेन में आना जाना करते हैं, ट्रेन में आना जाना करते हैं, तो वो लोग भी जो ट्रेन टिकट्स करते हैं, प्लेन टिकट्स करते हैं, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा जो है, उनका क्या नाम है, क्या एज है, कहाँ जाना है, वो सब कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है, हाँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसको हम लोग यूज़ कर सके। वहाँ पे कंप्यूटर में विवरण रखा जा सकता है, मतलब उनका टोटल इन्फॉर्मेशन रखा जा सकता है। इसी तरह हमसे हज़ारों मील दूर, मान लो अमेरिका में कोई आदमी बैठा है, तो उस कंप्यूटर की मदद से हम लिखित विषय सामग्री भेज सकते हैं। हमको अपने हैंड रिटन कुछ उसको भेजना है लिख के, तो हम जो है उसको हैंड रिटन हो या फिर उसको हम चाहे तो कंप्यूटर में टाइप कर देंगे और उसको मेल के थ्रू हम बहुत दूर उसको भेज सकते हैं, है ना, लेटर्स भेज सकते हैं, या कुछ जो कोई चीज़ है उसका हम लोग फ़ोटो उठा के कंप्यूटर में उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल के
और उसको डिजिटल फॉर्म में हम लोग भेज सकते हैं दूर बैठे आदमी को भी। वस्त्र आदि का डिज़ाइन बनाने, आजकल क्या है कि कैसा डिज़ाइन बनने पे वह गारमेंट कैसा दिखेगा, कोई अगर रेडीमेड ड्रेस बनाना है तो उसका डिज़ाइनिंग करके वो लोग कंप्यूटर में डाल के उसमें अलग अलग कलर्स डाल के देखते हैं कि वो वस्त्र वो क्लोथ का डिज़ाइन कैसा दिखेगा इस कलर के साथ। इसी तरह रोग परीक्षण है ना, जब लोग स्कैन बॉडी के किसी पार्ट को स्कैन कराने जाते हैं है ना, ताकि उनको क्या डिजीज़ हुआ है क्या रोग हुआ है उसका टेस्ट कराने जाते हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर यूज़ होता है। कंप्यूटर से महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है, मैंने इम्पॉर्टेंट कोऑपरेशन मिलता है कंप्यूटर के मदद से। अच्छा, कंप्यूटर की सहायता से अनेक मनोरंजनात्मक एवं ज्ञानवर्धक खेल खेले जाते हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल गेम्स जैसे क्विज वगैरह जो है, जिससे नॉलेज बढ़ता है ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान बढ़ाने वाला ऐसा गेम्स है, या फिर मनोरंजनात्मक यानी एंटरटेनमेंट वाला गेम्स, बच्चे जैसे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं वीडियो गेम्स जो है वो कंप्यूटर पे खेलते हैं, या नॉलेज बढ़ाने के लिए क्विज करते हैं देखते हैं, या फिर जो है वो पढ़ाई का कुछ वीडियोस देखते हैं, ये सब कंप्यूटर की मदद से किया जा सकता है। अब है कि अन्य देशों की अपेक्षा, हाँ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, इंडिया में जो है इसका प्रयोग देर में शुरू हुआ, दूसरे कंट्रीज़ में बहुत पहले ही कंप्यूटर का यूज़ शुरू हो गया था, इंडिया में इसका प्रयोग इसका यूज़ देर से शुरू हुआ, फिर भी भारत आज कंप्यूटर क्षेत्र में एक अग्रणी देश है। इंडिया जो है बहुत एडवांस्ड है कंप्यूटर के फील्ड में, जो कंट्रीज़ बहुत आगे निकल चुके हैं कंप्यूटर के फील्ड में, कंप्यूटर रिलेटेड यूज़ करने में, उसमें इंडिया भी बहुत आगे है, ठीक है, अग्रणी देश है, एक एडवांस कंट्री है इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। इसने रोज़गार के नए नए क्षेत्र खोले हैं, तो क्या है कि कंप्यूटर की मदद से एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल रहा है। आजकल जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो सब में क्या बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का, कि जो भी वहाँ के ऑफिसर के ऑफिस के लोगों का सबका डेटा कंप्यूटर में एंट्री करना पड़ता है, तो वहाँ पर इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ज़रूरत मिल पड़ती है, तो उनको नए लोगों को रखा जाता है। तो इस तरह रोज़गार के नए नए क्षेत्र माने एम्प्लॉयमेंट का नया नया फील्ड्स भी खुला है कंप्यूटर के मदद से। यही नहीं, कंप्यूटर विशेषज्ञों ने देश में नहीं विदेशों में भी विशेष नाम कमाया है। हाँ, हमारे कंट्री के जो स्पेशल कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखने वाले जो स्पेशलिस्ट्स हैं कहना चाहिए या एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो लोग उनके नॉलेज को फॉरेन के लोग भी यूज़ कर रहे हैं और बहुत उनका वो बहुत पॉपुलर है बाहर। हमारे कंट्री के जो IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर है बाहर, और उनके नॉलेज को फॉरेन के लोग भी यूज़ करते हैं, इसलिए उन्होंने बाहर विशेष नाम कायम आया, स्पेशल पॉपुलैरिटी उनको मिला है। कंप्यूटर का जो अंग टेलीविज़न की तरह दिखाई पड़ता है उसे मॉनिटर कहते हैं, इसके साथ ही कीबोर्ड लगा रहता है, कीबोर्ड पर जो भी कार्य किया जाता है उसके परिणाम मॉनिटर पर दिखाई पड़ते हैं, यदि इसके साथ प्रिंटर भी जोड़ दिया जाए तो मॉनिटर पर दिखने वाली विषय वस्तु कागज़ पर छापी जा सकती है। कंप्यूटर तब और अधिक सहयोगी सिद्ध होता है जब उसमें टाइप की गई सामग्री फ्लॉपी में सुरक्षित रख ली जाती है, आवश्यकता पड़ने पर उस फ्लॉपी के विषय को कंप्यूटर में डालकर फिर देखा जा सकता है। ऐसी उपयोगी कला तुम्हें भी अवश्य सीखनी चाहिए। शेष कुशल मंगल है, चाचा जी एवं चाची जी को नमस्ते, आपका अपना। ठीक है, तो जो लेटर लिख रहा है उसने तो पहले कंप्यूटर के सारे क्वालिटीज़ और यूजेस के बारे में बता दिया, ये शायद उसका कज़न है जो अपने चाचा चाची के बेटे को यह लेटर लिख रहा है। ठीक है, अपने कज़न को वह लेटर लिख रहा है, अपने चचेरे भाई को, तो वह कह रहा है कंप्यूटर का जो अंग मतलब कंप्यूटर का जो पार्ट जो है वो टेलीविज़न की तरह जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, और मॉनिटर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, कीबोर्ड जुड़ा हुआ है। कीबोर्ड हम लोग जानते हैं ना, उसमें ABCD सब टाइप्ड होता है, तो कीबोर्ड पर जो भी टाइप हम करेंगे, जो भी कार्य किया जाएगा, काम किया जाएगा, उसके परिणाम उसका रिजल्ट्स कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर पे हमको दिखाई देगा। अगर हम लोग ए टाइप करेंगे तो ए मॉनिटर पे लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर इस कंप्यूटर के साथ हम लोग प्रिंटर भी जोड़ दें, प्रिंटर को भी अटैच कर देंगे, तो मॉनिटर पर दिखने वाली विषय वस्तु मतलब मॉनिटर पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो हम कागज़ पर छाप सकते हैं, वह पेपर पे हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर की मदद से, जो भी हम टाइप करें उसे। कंप्यूटर और भी उपयोगी कब सिद्ध होता है, और भी यूज़फुल कब प्रूव होता है, कि जब जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमने टाइप किया है उसको, उस सामग्री को, उस पर्टिकुलर
डेटा को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम उसको फिर से यूज़ कर सके, तो उसे फ्लॉपी में सेव कर लिया जाता है, फ्लॉपी में सुरक्षित रख ली जाती है, सेफली उसको सेव कर लिया जाता है। देखिए ये लेटर जो पार्ट है वो काफ़ी पहले का लिखा हुआ है, इसलिए फ्लॉपी कह रहे हैं। उसके बाद क्या है, CD आया, DVDs आया, अब तो पेन ड्राइव्स आ गए हैं, तो पेन ड्राइव में सेव कर लिया जाता है, ठीक है, पेन ड्राइव में सुरक्षित रख ली जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर हम उसी फ्लॉपी को, उसी पेन ड्राइव को कंप्यूटर के साथ जोड़कर फिर से अपना वही इन्फॉर्मेशन, अपने उसी विषय वस्तु को दोबारा देख सकते हैं। तो ये जो ये लेटर लिख रहा है लेखक जो है, वह कह रहा है कि ऐसी उपयोगी कला, मतलब इतना यूज़फुल आर्ट जो है अबाउट कंप्यूटर, वो तुमको भी अवश्य, तुमको ज़रूर से सीखना चाहिए। फिर वह क्या लिखता है, शेष कुशल मंगल है, मतलब कि रेस्ट इज़ ऑल ओके, मतलब मेरे घर में सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। चाचा जी एवं चाची जी को नमस्ते, हमारे मतलब जिसको लेटर लिख रहा है मधुर को, उसको बोल रहा है तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा नमस्कार कहना। फिर वह लेटर के राइट साइड कॉर्नर में उसने लिखा है आपका अपना, नाम नहीं दिया है, हो सकता है उसका जो भी नाम होगा वह नीचे लिखेगा। तो इस तरह पर्सनल लेटर लिखा जाता है, और कितने अच्छे से उसने ये लेटर छोटा सा लिखा है, उसी में उसने सब कुछ समझा दिया है कंप्यूटर के बारे में। तो इस तरह पर्सनल लेटर लिखने की आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम्स में तो अक्सर आता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, पर्सनल, ये सब लेटर्स लिखने आता ही है। ये चैप्टर यहीं पर कम्प्लीट हो गया है, और आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।